नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस आई को यूट्यूब चैनल पर। चर्चा आज हम करेंगे DSSSB 2023 की। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो मुद्दे आपके सामने हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंट पोस्ट है और कितनी वैकेंसी विज्ञप्ति में आएगी, सबसे पहली चर्चा हमारी ये रहेगी। दूसरी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तीसरा जो विषय रहेगा इसका सिलेबस क्या रहेगा। और चौथा विषय रहेगा फॉर्म कब तक इसके स्टार्ट होंगे, अर्थात विज्ञप्ति कब आएगी, फॉर्म कब से फिलअप होने स्टार्ट होंगे। और चौथा इसका मुद्दा है कि एग्ज़ाम इसकी कब हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि वैकेंसी इसकी कितनी है। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैकेंट पोस्ट, अर्थात जो आपकी रिक्त जो पद हैं वो आपके रिक्त पद हैं 16 के, अर्थात 16,000 आपके पद रिक्त हैं। किसमें? DSSSB में 16,000 पद आपके रिक्त हैं। अब वैकेंसी कितनी आएगी, रिक्त पद जितने होते हैं उतनी वैकेंसी नहीं आती। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो वैकेंसी आपकी आने की जो संभावना है 12 से 13 हज़ार वैकेंसी आपकी इसमें आ सकती है। ध्यान रखें 12 से 13 हज़ार वैकेंसी इसमें आपसे आ सकती है, अर्थात इतने पोस्ट पर आपसे फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे। तो पहला मुद्दा हमारा क्या था कि इसकी वैकेंसी क्या है। तो वैकेंसी इसकी 16,000 तो खाली पद हैं, लेकिन कभी इतनी वैकेंसी नहीं आती है जितने पद खाली होते हैं इसमें। तो आपको 12 से 13 हज़ार जो वैकेंसी है वो आपको देखने को इसमें मिल सकती है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जाम पैटर्न है इसको दो भागों में बांटा जाएगा। इसको पार्ट वन और पार्ट टू, दो भागों में इसको बांटा जाएगा, एक तो पार्ट वन और एक पार्ट टू। इस पार्ट वन में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100। पार्ट वन में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड में भी आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न आपसे पार्ट सेकंड में पूछे जाएंगे। दोनों में इसमें भी आपको 100 में से कितने अंक लाना आवश्यक है? 40% अंक लाना आवश्यक है। यहाँ पर भी 100 में से कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? 40% अंक लाना आपको आवश्यक है। अर्थात यहाँ आपको 100 में से 40 क्वेश्चन करने ही होंगे तभी आप पात्र होंगे। यहाँ भी आपको 100 में से 40 प्रश्न करने ही होंगे तभी आप पात्र होंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे पेपर की बात करें तो आपको 40% अंक क्वालिफाइंग रखे गए हैं, अर्थात आपको 200 प्रश्न हो जाएंगे। 100 इसके 100 इसके 200 में से आपको 80% आपके होने चाहिए। कैसे? पार्ट फर्स्ट में भी 40 और पार्ट सेकंड में भी 40। जब आप पात्र हो जाएंगे उसके बाद आपसे मेरिट बनाई जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने कितने रखे गए हैं, 40% और इधर भी कितने हैं 40%। अलग अलग दो तरह से आपके इसके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। बात कर लें इसके सिलेबस की, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की मैं दोस्तों एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत विस्तृत, उस पर आप इसके सिलेबस को अच्छे से देख लें कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से पूछी जाएगी, क्या क्या होगा। लेकिन फिर भी आपको एक छोटे रूप में बता दूं कि इसका जो सिलेबस रहेगा वो, अगर पार्ट वन की बात करूँ तो पार्ट वन में इसमें आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के और जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 20 20 20 20 20 और 20, अर्थात कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 100 क्वेश्चंस तो आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपके अलग अलग होगा, PRT का अलग होगा, TGT का अलग होगा, PGT का अलग होगा। तो इसकी विस्तृत वीडियो मैंने बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक देख लीजिएगा। वहाँ आकर जाकर आप इसकी जो सिलेबस की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, उसकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तीसरा जो मुद्दा है हमारा कि इसके फॉर्म हैं वो कब तक फिलअप होंगे, अर्थात फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है और तय मानी है कि आपकी जो वैकेंसी है अप्रैल और मई में निश्चित रूप से आपकी विज्ञप्ति आ जानी है। अब विज्ञप्ति आपकी अप्रैल मई में आएगी तो निश्चित है आपके मई में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म आपके मई में स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम की जहां तक की मैं बात करूं, एग्जाम आपके सितंबर और अक्टूबर माह में आपके निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस काफ़ी लेंथी है, आपको तैयारी अभी से करनी है, तैयारी आपको अभी से करनी है, पुरजोर आपको मेहनत करनी है। खास करके जो TGT PGT के जो विद्यार्थी हैं और इधर जो PRT तो पूरा पेडागोजी का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी सब में आपसे पूछी जाएगी, पेडागोजी भी आपसे थोड़े बहुत, TGT PGT दोनों पूछे जाएंगे। लेकिन PRT का जो पैटर्न है उससे पूरा पेडागोजी का पार्ट है। तो आप शिक्षण शास्त्र को अच्छे से तैयार करें। मैंने बुक भी बताई है कि कौन कौन सी बुक से अपन शिक्षण शास्त्र को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखें, है ना।
बात करें अगला जो स्टेप है हमारा अंतिम कि इसका एग्जाम कब तक होगा, तो ध्यान रखना है इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों, इसका एग्जाम होगा अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। अप्रैल मई में इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये पांच हमारे मुद्दे थे, वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फॉर्म कब तक और एग्जाम इसकी कब होगी। सिलेबस की चर्चा मैं आपको बता चुका हूँ, फिर मैं सिलेबस में आपको इसको पूरी वीडियो इसकी सिलेबस के ऊपर बना चुका हूँ, अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्टिव मैंने वहाँ पर दिया है, तो आप पुराने वीडियोज को जरूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपकी ये जो समस्या है इनका निस्तारण आपका हुआ होगा। आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप सभी ने क्लास को देखा, थैंक यू, बाय बाय।